सचिन जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल से पाठशाला पर आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसे हम हॉस्पिटल को एसटी कराते हैं, अपने एसटी लेके आते हैं, इसी प्रकार हॉस्पिटल को एसटी का मैं आपका एसटी सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आपको मैं तैयार रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी क्वेश्चन रहा है वो आप कमेंट में मुझसे पूछिए। देखिए पहला क्वेश्चन बनवर्ड है, क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ ब्रिज, क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ ब्रिज क्या बोलते हैं इसको? हैमलेट, ऑनररी, फेवल, इम्पोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका हैमलेट। छोटे छोटे हाउसेस होते हैं ब्रिज में, उन्हें बोलते हैं हैमलेट। नंबर 77, एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी चीज जो यूज में नहीं है। ऑप्शन ऑब्सोलेट, नार्कोटिक, मैनुस्क्रिप्ट और लेजेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो चीज चलन में ना हो, आउट ऑफ फैशन हो जाए, उसका यूज ना हो, उसे बोलते हैं क्या? ऑब्सोलेट। क्वेश्चन नंबर 78, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिसगाइज, एक काल्पनिक नाम जो ऑथर रख लेता है, जो होता नहीं है उसका रियल में, किसी और नाम से कोई बुक पब्लिश करता है, किसी और नाम से कुछ भी करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं श्योरोनिम, PSEUTONYM। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। फिर है नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। तो इडियम फ्रेज चूज करने हैं आपको इसमें, ब्लॉक है, ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूड, फूड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, फूड। नंबर 80 है, वाइल्ड गुस चीज, वाइल्ड गुस चीज का मतलब होता है असफल प्रयास, निरर्थक प्रयास, फालतू के काम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रूटलेस, मतलब इससे कोई लाभ ना हो। नंबर नेक्स्ट है असोर पॉइंट, असोर पॉइंट का पूछा है आपसे क्या इडियम, असोर पॉइंट का इडियम क्या होगा? असोर पॉइंट का मतलब होता है दुख देने वाला कष्ट या दुख देने वाला समाचार या दुख देने वाली बात। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ पेनफुल कॉज टू इंपेयर जेलसी एंड अवेयरनेस, अ पेनफुल कॉज इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी ए। चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब इसमें आपको सोनियम पता करना है कि ब्लेमिश का सोनियम क्या होगा। ब्लेमिश होता है कलम या धब्बा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चेटर, रैपिड, फ्लो और ब्रेव, ब्रेव। तो आंसर हो जाएगा फ्लो, एफ एल ए डब्ल्यू। फिर पूछा है चूज द बेस्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, बेस्ट अपोजिट पूछा है गिवन वर्ड का। तो आंसर क्या होगा? ब्लिटेंट का। ऑब्स्क्योर, फ्री, क्लियर या फ्रेश। तो ब्लिटेंट कुछ होता है खुला हुआ, ठीक है, या ओपन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्लियर तो सुनी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्स्क्योर, रिटन मतलब स्पष्ट, खुला हुआ एकदम। और आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑब्स्क्योर। अब देखिए एरर, हिज बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। आपको बताया था कि अगर दोनों नाम के आगे आर्टिकल लगा या पैसे केस लगा हो तो तुम दोनों को औचन माना जाता है, और किसी एक के आगे लगा हो तो उनको सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर जो आर है उसकी जगह क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा। तो हिज बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस इज एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द बुक। आपको मालूम होगा कंजक्शन में यूज कराया था एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार पर बात किया हमेशा। तो यहाँ एज वेल से पहले आ रहा है इंटेलिजेंस, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग। तो आर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर के किस जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर के हो जाएगा आपका टीचर। 86 है, द मैच विल बी टेलीकास्टेड टुडे, मैच आज टेलीकास्ट कर दिया जाएगा। तो आप कुछ वर्ड्स होते हैं मैं आपको देता हूँ, टेलीकास्ट हुआ,
ब्रॉडकास्ट हुआ इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं रहती क्या होती है सेकंड थर्ड फॉर्म इनकी नहीं रहती है इनमें टीवी नहीं आता है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी टेलीकास्टिंग की जगह टेलीकास्ट हो जाएगा 87 है आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन दिस सिटी एंड सो फेल्ट लोनली तो आई डिडंट नो हार्डली अब आप जानते हैं हार्डली तो ऑलरेडी क्या है नेगेटिव कंजक्शन है तो नेगेटिव कंजक्शन के साथ क्या नहीं आएगा डिड नॉट नहीं आएगा तो यहाँ से नॉट ला देंगे तो डिड भी हट जाएगा और डिड नॉट हट जाएगा तो नो की जगह क्या हो जाएगा नी हो जाएगा सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ठीक है ये होगी आपकी एरर अब देखिए फिर लाइंस डोंट डिपेंड ब्लेम अदर्स यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट आप दूसरों पर निर्भर ना रहें आपको अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डोंट डिपेंड ऑन अदर्स दूसरों पर निर्भर ना रहें आपको अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए तो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट नंबर 99 द इंजीनियर्स ब्लेम द दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर तो सिंस लगा हुआ है लास्ट ईयर से पहले तो क्या आंसर होगा अब आंसर तो ए भी हो सकता था इंजीनियर्स ने पिछले साल से इस ब्रिज को बनाया है तैयार कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा द इंजीनियर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर आंसर भी क्या हो जाएगा सी अब करेक्टली स्पेल्ड पूछा है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड कौन सा सही है इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा अंडर का ए सही स्पेलिंग होती है सी एच ए आर ए सी टी या करेक्टर अब देखिए क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट पढ़ने का हमारा तरीका आपको मालूम है क्या है वही है पहले हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे बिना ऑप्शन फिल किए उसके बाद हम आंसर फिल करेंगे तो वन डे वाइल अ पुअर फार्मर नेम क्या था उसका फ्लेमिंग वॉज प्लॉगिंग खेत जोत रहा था इस फील्ड टू अर्न हिज कमाने के लिए क्या अपनी क्या कमाने के लिए बादल भी करेंगे ही ब्लेम्ड अ क्राई उसने क्या किया क्राई को क्राई में चिल्लाना फॉर हेल्प मदद के लिए कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई पॉन्ड जो आ रही थी कहाँ से आस पास के तालाब से ही रेन टू द पॉन्ड द पॉन्ड तक भागा तालाब तक वेयर ही सॉ अ टेरिफाइड बॉय जहाँ उसने एक डरा हुआ लड़का देखा ब्लैक टू फ्री हिमसेल्फ अपने आप को फ्री करने के लिए द फार्मर सेव द बॉय फार्मर ने उस लड़के को बचाया द नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ अ फैंसी कैरिज एक बहुत ही बढ़िया आलिशान बग्गी ब्लैक अप द फार्मर्स हाउस उस फार्मर के हाउस आकर क्या हुई झुकी होगी सी सी बात से समझ ली होगी फार्मर कौन था वो फ्लेमिंग एंड ब्लैक ड्रेस्ड नोबलमैन एक कैसा ड्रेस्ड नोबलमैन सभी व्यक्ति स्टेप्ड आउट स्टेप का मतलब कदम रखना आउट मतलब बाहर कदम रखा एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया किसकी तरह एज द फादर ऑफ द बॉय उस लड़की के फादर की तरह द फार्मर हैड सेव्ड जिसको उसके सामने बचाया था किसान कौन फ्लेमिंग ही ऑफर्ड द फार्मर उसने फार्मर को ऑफर किया क्या ब्लेम फॉर सेविंग हिज सन्स लाइफ अपने बच्चे के जीवन बचाने के लिए उसने फार्मर को क्या ऑफर किया बट फार्मर ने क्या किया फार्मर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट फार्मर ने पेमेंट लेने से क्या कर दिया मना कर दिया एट दैट मोमेंट उस क्षण क्या हुआ द फार्मर सन रिटर्न होम फार्मर का बेटा घर लौट गया सीइंग हिम द नोबलमैन उसको देखकर उस फार्मर के बेटे को देखकर नोबलमैन ने कहा I will make you deal. मैं तुमसे एक deal करता हूँ. क्या deal करता हूँ? Let me provide him with blank of education. ठीक है? मुझे तुमको दिलाने दो कि education my son would enjoy. मेरा बेटा क्या करेगा? Enjoy करेगा. The farmer's son blank the best school. Farmer's son ने क्या किया? Best school में गया. जो भी हुआ. Graduate to हुआ वहाँ से. From कहाँ से graduate कहाँ से हुआ? St. Mary's Hospital. मेडिकल स्कूल इन लंदन
he went on to become तो वनडे चला क्या इधर जाना गया सबको संसार में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो कौन थे द डिस्कवरर ऑफ पेंसिलिन पेंसिलिन के खोज पेंसिलिन एक दवाई है इयर्स लेटर कुछ साल बाद द नोबल मेंशन नोबल मैन का बेटा था वो न्यूमोनिया से क्या हो गया न्यूमोनिया से जरूर पीड़ित हुआ होगा कैसे हुआ होगा हिज लाइफ वॉज ब्लैंक बाई पेंसिलिन तो उसका जीवन पेंसिल से क्या हुआ होगा The nobleman was Sir Winston Churchill, Prime Minister of India. और nobleman का सर कौन था? Winston Churchill, जो इंग्लैंड और इंग्लैंड के Prime Minister रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन के Prime Minister रहे थे। और compare किया था अटल बिहारी वाजपेयी को इनसे, Winston Churchill से। अब देखिए आओ आपसे क्या करते हैं। One day while a poor farmer named Fleming was ploughing his field अपने खेत को जोत रहा था to earn his क्या कमाने के लिए लेबर मेहनत तो कमाया नहीं लेवलीहुड रोजी रोटी बिजनेस कमाने के लिए प्रोफेशन कमाने के लिए क्या कमाने के लिए लेवलीहुड रोजी रोटी कमाने के लिए ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं ही ब्लैंक अ क्राई फॉर हेल्प उसने मदद के लिए क्या सुना क्राई तो क्राई एक्सप्रेस तो करेगा नहीं तो उसने सुनी पहुंचेगा है नहीं लिसन होगा नहीं क्या हुआ लिसन होता है बॉस सुनना और उसको सुनाई दी थी बॉस ने सुन किसी ने लिसन नहीं हुआ आंसर क्या हुआ हर्ड तो ही हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प जो कहाँ से आ रही थी कमिंग फ्रॉम नियर बाई अ पॉन्ड जो पॉन्ड के आसपास से आ रही थी ही रेड टू द पॉन्ड और पॉन्ड के आसपास भागा जहाँ उसने एक टेरिफाइड बर्ड को देखा जो क्या कर रहा था अपने आप को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था अटेम्प्ट कर रहा था सी प्रयास कर रहा था ट्राइड क्या कर रहा था स्ट्रगलिंग करते हुए देखा एक्शन जब पहुंचा होगा तो कुछ स्ट्रगल कर रहा होगा तो एक्शन कंटिन्यू चल रहा होगा तो स्ट्रगलिंग में क्या आएगा आईएनजी फार्मर ने स्टूडेंट को बचाया अगले दिन क्या हुआ एक फैंसी कैरेज आई एक शानदार आलिशान बग्गी आई बिलिंग अप टू द फार्मर हाउस तो 91 में क्या होगा अपीयर्ड अप होल्ड अप अपोल तो हमें तो खींची जोड़ी होगी एंकर एंट्री के बाद क्वेश्चन नहीं आते कुछ शिकार करना होता है क्या आएगा अपीयर उसके सामने अप टू द फार्मर्स हाउस फिर क्या हुआ एंड उसमें से कौन निकला एंड ब्लैक ड्रेस नोबलमैन कैसा नोबलमैन था वो अब नोबलमैन एक्सपेंसिव तो होगा नहीं ऑर्डिनरी तो होगा नहीं वेल ड्रेस्ड कह रहा है वो ठीक है और एलिगेंट होगा आंसर इसका मतलब एलिगेंट का मतलब भव्य एक भव्य शानदार व्यक्ति उसमें से उतरा और इंट्रोड्यूस किया अपने आप को उस बॉय का पिता इसकी जानकारी चाहिए थी उसके सामने He offered the farmer. उसने फार्मर को ऑफर किया क्या ब्रेड रिवार्ड रिवार्ड कभी ऑफर नहीं किया जाता रिवार्ड दिया जाता है प्राइस कॉस्ट थैंक्स क्या ऑफर की प्राइस ऑफर की कॉस्ट में ऑफर करें कॉस्ट में होती है प्राइस की कीमत होती है बट प्राइस किस चीज के बदले में ऑफर किया जाती है कॉस्ट किस चीज का मूल्य होता है कॉस्ट पर्टिकुलर मूल्य होता है प्राइस किसी चीज के लिए हम ऑफर करते हैं ठीक है इसलिए क्या होगा आंसर इसका एक प्रकार की एजुकेशन मुझे बना रहे तो ठीक है लेट मी प्रोवाइड हिम विद द काइंड ऑफ एजुकेशन माय सन विल एंजॉय मेरा बेटा इसको एंजॉय करेगा फार्मर से फार्मर की बेटी ने क्या किया स्कूल को बेस्ट स्कूल को पास किया पास तो करेगा नहीं देन गया बेस्ट स्कूल गया और ग्रेजुएट हुआ नहीं स्कूल जाने के लिए गलती वेंट और पास हो नहीं आता रीजनेबल भी नहीं हुआ वर्क डिमांड है तो आंसर क्या हो जाएगा अटेंडेड उसने अटेंड किया बेस्ट स्कूल को और वहां से ग्रेजुएट हुआ सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन ठीक ही वेंट ऑन टू बिकम नोन और जाना गया पूरे संसार में क्या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के तौर पर जो कौन थे द डिस्कवरर ऑफ पेंसिलिन इयर्स लेटर कुछ साल बाद द नोबलमैन सन वाज ब्लैंक विद निमोनिया नोबलमैन का बेटा निमोनिया से क्या हुआ इंजर्ड हुआ अब इंजर्ड तो किसी चीज से होते हैं बीमारी से इंजर्ड नहीं होते
हार्ट भी होते हैं, हार्ट फीलिंग से होते हैं और इनफेक्ट किसी वायरस से होते हैं। तो आंसर क्या होगा, बीमारी से इंसान बीमार होता है, सिक हो जाएगा। तो सिक विद न्यूमोनिया इज लाइक बॉस प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट में अगर वो बॉस लगा हुआ है, पैसे में सेंटेंस दिया हुआ है, हमारे तो प्रोटेक्ट होगा। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा की गई, सुरक्षा गार्ड करते हैं, दवाइयाँ नहीं करते हैं, दवाइयाँ बचाती हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, सेफ है। और रही बात रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं बाहर में अभी लोगों को निकाला जाएगा, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन एसएससी के जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, और इनको आप ढंग से स्टडी कर लें वीकली, अगर आप इनको भी स्टडी करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा, ठीक है। और वीडियो देखें अंत तक, समझ में आए तो बढ़िया बात है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आए तब भी लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है, नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं आंसर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।